कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री का पद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कन्नौज की जनता ने नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री और कन्नौज के सांसद का प्रथम आगमन पर स्वागत किया। कन्नौज के सांसद ने दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से चलकर जनपद की सीमा से लगे सौरीकट से प्रवेश किया। जनपद की सीमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने अपने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनका सौरिक में स्वागत किया। सौरिक के बाद सांसद सुब्रत पाठक छिबरामऊ नगर में स्थित मां कालिका देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद जीटी रोड से होते हुए गुड़सहायगंज से सुजान सराय होते हुए तिरवा माता अन्नपूर्णा देवी के दर्शन किए, जिसके बाद तिरवा से कन्नौज बाबा गौरीशंकर मंदिर के दर्शन करने के बाद शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय जाकर लोगों से मुलाकात की। प्रदेश महामंत्री के पद के मिलने के बाद कन्नौज पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग शेर की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं और इनकी सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा था, दोबारा सरकार आने के केवल सपने देखें। समाजवादी पार्टी के लिए साफ साफ सभी लोग समझ रहे हैं ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं और ये किसी के सगे नहीं हो सकते और इनके समय पर जब इनका शासन आता है तो भाजपा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की हत्या कराते हैं। अपराध का ग्राफ इनकी सरकार में बढ़ा था, अपराध का और सरकार का जो गठजोड़ था उसको देखते हुए ये सपने देखें इनका। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप अपने सुझाव हमको जरूर बताएं ताकि हम आपके सुझावों पर अमल कर सकें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।